कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 25,154 नए मरीज मिले हैं, 16,519 संक्रमित ठीक हुए हैं, जबकि 159 की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 8,477 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 2,00,000 के पार पहुंचकर 2,07,499 हो गया है। यह 11 फरवरी को 1,33,079 पर पहुंचा था। 17 दिसंबर को आए कोरोना पीक के बाद यह सबसे कम था। केस बढ़ने के साथ अब सख्तियों का दौर भी लौटने लगा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यहां बाकी दिनों में लॉकडाउन के साथ रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। जलगांव में 15 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। इनके अलावा नासिक में आंशिक लॉकडाउन और नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार या सोमवार से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए हैं। डीजीसीए ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नया सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि हवाई यात्रा के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। चेहरे से मास्क उतारने वालों को फ्लाइट से भी उतारा जा सकता है। बता दें कि पंजाब में कोरोना के मामले फिर बढ़ने से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान राशन और अन्य सामान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक घर घर पहुंचाएंगे। वहीं पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब में प्री नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।